हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने लेक्चर 10 में हैं। लेक्चर 10 में हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम बनाएंगे। यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले ये चीज़ जान लो, प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं जावा में, मगर बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लेक्चर्स ले रहा हूँ बहुत ही स्क्रैच से। हम लोग जब ये सारे प्रोग्राम्स बनाना सीख लेंगे, ठीक, उसके बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप करना चाहो तो कर लो सर्टिफिकेशन के लिए, मगर अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, तो आई थिंक कि बेसिक्स आना क्लियर है। और बेसिक प्रोग्राम ही मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनको लगता है तुरंत नौकरी पाओ वाले कोर्सेज कर लो। भाई अगर ऐसे तुरंत नौकरी मिल जाती तो आप ये समझो क्या ज़रूरत थी फिर कॉलेजेस की, क्या ज़रूरत थी फिर स्कूल की, इन्हीं कोर्सेज को करके आप नौकरी ले लेते। मगर नहीं, ये सब बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है भाई साहब, पहले आप क्लियर करो अपनी प्रोग्रामिंग के स्किल्स को। जब आप स्किल्स क्लियर करोगे तब ना कुछ आप करोगे। क्या आप केवल डिग्री लेके घूमोगे और आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा? तो सुधर जाओ, ध्यान दो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ और अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फैक्ट को समझो, मार्केटिंग के झमेले में मत आओ, ठीक है? चलो हम लोग करते हैं आज एक प्रोग्राम जो हमारा है सिंपल सा यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम है। यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम का मतलब हम लोग स्कैनर क्लास का ही यूज़ करेंगे और यूज़र से हम इनपुट लेंगे। यानी एज अ प्रोग्रामर अगर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे इंटीजर में कुछ भी इनपुट देना है तो मैं दे सकूँ, ठीक है? तो सिंपल सा हम लोग एडिशन प्रोग्राम करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे थे। डायनेमिक मतलब होता है जो रन करने के बाद होती हो या रन करने के दौरान होती हो। स्टैटिक मतलब वो होता है जो पहले से इनिशियलाइज हो। जैसे अभी हम कर रहे थे int x is equal to 10, अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे थे int x is equal to 10। अब आप देखो इस कोड के ऊपर देखो हमने क्या किया है, हमने एक हेडर फाइल डाली है जिसमें हम स्कैनर को कॉल कर रहे हैं इम्पोर्ट स्पेस java.util.scanner, स्कैनर क्लास हो गया हमारा। इसके बाद हमने एक क्लास बनाया, क्लास को पब्लिक क्लास, क्लास नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैंने माई क्लास दिया है, आप इसको पब्लिक भी हटा सकते हो, बट लिखते हो तो क्या है कि फिजिबिलिटी इसकी बनी रहती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आपका क्लास का ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन हो जाता है और नीचे देखो ये क्लोज हो जाता है। इस पूरे क्लास के अंदर ये प्रोग्राम को लिखा गया है, ठीक है? अब इसके बाद अपने लोग क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सिंटेक्स देखो इसका, बार बार सिंटेक्स देखो, सब स्मॉल में है, ध्यान देना इस चीज को। और स्ट्रिंग ARGS में सिर्फ S कैपिटल है, ठीक है? ये स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे, ठीक है? इनका स्कोप देखो यहीं तक है, आर्गुमेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन को अपना ओपन एंड क्लोज कर लेंगे। अब जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे इसी मेन पार्ट में लिखेंगे, ठीक है? इस चीज को ध्यान देना, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे हम इसी मेन पार्ट में लिखेंगे, नहीं तो क्या होगा कि प्रॉब्लम फंस जाएगी आपको, ठीक है? हाँ, तो अब हम लोग सीखेंगे, जैसे कि मैं भी आपको बता ही रहा था कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, यूजर्स इनपुट कैसे लेंगे और फिर उसका रिजल्ट कैसे हम प्रिंट करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ये स्कोप हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने कॉल किया स्कैनर, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक वेरिएबल या SC और न्यू स्कैनर सिस्टम .out.in से यूजर जो भी इनपुट देता है वो system.in सिस्टम के अंदर इनपुट लेके इसके अंदर डालना शुरू कर देता है। तो इनिशियली वो किस में जाता है, वो SC वेरिएबल में जाता है, ऑब्जेक्ट में जाता है। और जब हम उसको कॉल करते हैं तो वहाँ पे वो उसको रिट्रीव करने के लिए यूजर से पूछता है और उसके अंदर वैल्यू सेव कर देता है, ठीक है? अब फिर इसके बाद हमने क्या दिया, एक मैसेज प्रिंट किया system.out.println एंटर दी फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर एंटर करने के बाद ये मैसेज आएगा स्क्रीन पे जब हम उसको रन करेंगे। इसके बाद हम एक नंबर एंटर करेंगे, वो नंबर किस में जा रहा है, एक्स वेरिएबल में जा रहा है। कैसे जा रहा है, SC जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ये नंबर जा रहा है। और नेक्स्ट इंट एक मेथड इसके अंदर कॉल हो रहा है जो कि इंटीजर को केवल लेगा और उसको किस में सेव कर रहा है, इसको एक्स के अंदर सेव कर रहा है, ठीक है? सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद दी
वाई, ठीक है। सेकंड नंबर मैसेज प्रिंट करेगा, वैल्यू यूजर से लेगा और उसको वाई में सेव कर देगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक जेड वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने एक्स प्लस वाई लिया। तो जो भी यूजर ने प्रोग्राम करने के रन करने के बाद जो भी इनपुट दिया होगा एक्स और वाई में, उन दोनों का सम किस में स्टोर हो जा रहा है, जेड में। अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, जब जेड में स्टोर हो जा रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ जेड को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो जेड में क्या रिजल्ट सेव हो जा रहा है हमारा, एक्स और वाई का सम। देखो आप, मैं इसको ऑन करने जा रहा हूं, आपके सामने रन करता हूं, नीचे रिजल्ट का पार्ट है ये, देखो यहां पे रिजल्ट लिखा हुआ है एग्जीक्यूट के नीचे। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखो इसमें क्या आता है रिजल्ट, हो रहा है, थिंग्स आर गोइंग ऑन, थोड़ा सा स्लो है। ओके, सर्वर इज लॉस्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑनलाइन कंपाइलर है ना तो उसमें कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, लीव कर दिया। अभी देखो आप ये आएगा, प्रॉपर आएगा, इंटरेक्टिव और एग्जीक्यूट। देखो आप, नीचे रिजल्ट आया, एक मैसेज आया, एंटर दी फर्स्ट नंबर, जो हमने यहाँ पे डाला था किसके पहले डाला था, इस sc.next int के पहले हमने एक मैसेज प्रिंट किया था, एंटर दी फर्स्ट नंबर, जिससे यूजर को पता चल जाए कि उसे करना क्या, नहीं तो ब्लैंक स्क्रीन हो जाती तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको बेसिकली करना क्या है। अभी फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो सपोज हम डाल रहे हैं 11, इसका जैसे हमने एंटर किया तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये सेकेंड नंबर मांगेगा, एंटर दी सेकेंड नंबर। जब हम सेकेंड नंबर फीड करेंगे तो उसके बाद क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। अभी ये एग्जीक्यूट कर ही रहा है, देखो आप इसमें सेकंड नंबर आ गया, सेकंड नंबर के बाद हमको सेकंड नंबर इसमें डालना है। मान लो मैंने डाला 10, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 21। तो अभी देखो ये एग्जीक्यूट होगा और इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 21, द सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज 21। तो क्लियर है फ्रेंड्स कि ऐसे हम स्कैनर का यूज करेंगे। सिमिलरली आप मेरे को एक चीज बताओ, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग करके दिखाना, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के दिखाना। सपोज मेरा नाम उत्कर्ष है, फर्स्ट नेम इज उत्कर्ष एंड माय टाइटल इज अग्रवाल। सो अगर इन दोनों को क्लब करके मुझे प्रिंट करना हो इस तरह से तो कैसे करेंगे। चलो अगर ये भी बहुत टफ लग रहा है तो आप फ्लोट में करके दिखाओ, डबल में करके दिखाओ, कोई भी दो नंबर अपने को प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी इसके कोड को मैं जो है आपके कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जो भी हमारा इसमें कंटेंट यूज़ हुआ है, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपको कोई भी इश्यूज हो तो आप उसमें जाके देख सकते हो। बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती देन फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे की हेल्प करिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको बस बड़ा बना दिया गया है। इट्स अ वेरी बेसिक लर्निंग लैंग्वेज और इसको सीखेंगे तो फ्यूचर अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा कहीं से भी, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय लाइफ।